शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही है। इधर एक बार फिर महिला आयोग ने गोविंद सिंह डोटासरा से इस्तीफा मांगा है। आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सुर्खियों में है। गोविंद सिंह डोटासरा रीट परीक्षा को लेकर इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन एक बार और इस मुद्दे पर सुर्खियों में बन चुके हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के महिला शिक्षकों को लेकर दिए गए बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। राज्य की पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का ये बयान पार्टी की मानसिकता दर्शाता है। डोटासरा को माफी मांगते हुए इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल बात क्या है, आइए हम जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर डोटासरा ने कहा था कि महिला कर्मचारी आपस में बहुत लड़ती हैं। जिन स्कूलों में महिला शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्याएं ज्यादा होती हैं, वहां झगड़े भी ज्यादा होते हैं। मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आती है, यही बातें उन्हें पुरुषों से आगे निकलने से रोकती हैं। डोटासरा ने चुटकी लेते हुए आगे ये भी कहा है कि महिलाओं के झगड़ों के कारण प्रिंसिपल को सिर दर्द की गोली तक खानी पड़ती है। उधर उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। वही महिला आयोग ने भी इसकी कड़ी आपत्ति जताई है। महिला आयोग का कहना है कि शिक्षा मंत्री होते हुए ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। सीएम से कार्रवाई करने की मांग भी की है। आपको बता दें कि सुमन शर्मा ने कहा है कि डोटासरा के बयान पर मुझे शर्म आती है। शिक्षा मंत्री होते हुए महिला टीचर पर इस तरह का बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे में उन्हें सार्वजनिक मंच से महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करने को कहा है, ताकि भविष्य में कोई भी राजनेता महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी न करे। उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस का कल्चर ही करपट हो चुका है। महिलाओं को अपमानित करना कांग्रेसी नेताओं की एक आदत बन गई है। प्रदेश में महिला आयोग अध्यक्ष का पद खाली चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका खामियाजा प्रदेश की महिलाओं को उठाना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने भी आपको बता दें कि बेतुका बताया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने डोटासरा के बयान को बेतुका बताया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस तरह का बयान देकर महिलाओं को शर्मसार कर दिया है। ये थी राजस्थान से जुड़ी हुई सबसे बड़ी और अहम खबर। आपको क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कि आज शिक्षा मंत्री ने सही कहा है महिलाओं के खिलाफ नहीं, ये शिक्षा मंत्री का निजी अनुभव हो सकता है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आप ये भी दे सकते हैं कुछ हद तक सही है, थोड़ी तो झगड़ालू होती है। आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या शिक्षा मंत्री होते हुए ऐसी बात कह सकते हैं। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए द सुगम के साथ।